झारखंड की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पाला बदल हुआ है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। प्रदेश की सियासत के लिए आज का दिन खास है, जहां एक ओर कोल्हान टाइगर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार में मंत्री पद जो चंपई सोरेन के इस्तीफे से खाली हो गया था, रामदास सोरेन राज्यपाल के समक्ष आज उस खाली पद का भार संभाल चुके हैं। बीजेपी का अभिनंदन सम्मिलन समारोह रखा गया, जिसमें चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष चंपई सोरेन ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर हमला बोला और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपना विश्वास कायम किया। सुनिए क्या कुछ कहा, फिर चर्चा शुरू करेंगे। जितने भी अटकलें लग रहे थे सब साफ हो चुके हैं, चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति के लिए ये कितना प्रभावी है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, पूर्व प्रवक्ता, बीजेपी से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। कमल ठाकुर, प्रवक्ता, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। तो पहला सवाल बीजेपी से लेंगे प्रदीप जी, क्योंकि बीजेपी के लिए आज का दिन बेहद खास है। चंपई सोरेन, जो कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं, वो आज बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। चुनाव का माहौल है, कितनी मजबूती हो गई है अब बीजेपी को? देखिए, जो परिस्थितियां थी चंपई सोरेन के समक्ष, वो उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट करके बताया, तीन विकल्प थे मेरे पास, या तो राजनीति से संन्यास ले लूं, या खुद की पार्टी बनाऊं, या फिर कोई ऐसा सहयोगी मिले जिसके साथ मैं चल सकूं। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि चंपई सोरेन जी को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही वो सहयोगी हो सकती है जिसके साथ आगे चला जा सकता है। हो सकता है उनके मन में जो आकांक्षाएं हो राज्य के विकास के लिए या फिर राजनीतिक भविष्य के लिए, उनको सबसे सुटेबल लगा कि बीजेपी में ही ज्वाइन करना चाहिए। और जहां तक प्रश्न है कि हमारे विरोधी हम पर सवाल करते हैं कि हम उनका घर तो गया, उनकी पार्टी तो गया, तो संवादहीनता की स्थिति अगर उनके परिवार में रहेगी, पहले सीता सोरेन ने छोड़ा, आप चंपई सोरेन, उसके अलावा जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम की बात आ रही, नाराजगी की, तो इन सभी चीजों का समाधान तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को करना है, बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर नेता विधायक दल। कभी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की उन्होंने समझाने की, या एक पहल अपनी ओर से करते कि चलो भाई कुछ गलतियां हुई है तो हमारे साथ आओ, गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दम में हो कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं किसी से बात क्यों करूं, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, मुख्यमंत्री बनना तो मेरा ही अधिकार है, शिबू सोरेन के बाद तो मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, चाहे चंपई सोरेन 5 महीने के लिए आए, तो उनको जिस तरह से रुखसत किया गया उससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा ये मानती है कि लंबे समय से विधायक रहे हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, उनका सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व है उस क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी उस क्षेत्र में जब मिलेगी तो निश्चित रूप से एक नई राजनीतिक ताकत उभरेगी, एक राजनीतिक समीकरण बनेगा वहां, और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में दमदार उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी की होगी। जी नमस्कार। ठीक है, बीजेपी ये दावा कर रही है कि काफी मजबूती मिलेगी पार्टी को चंपई सोरेन के आने से। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें, कमल जी आपके पास आएंगे,
जेएमएम का दामन छोड़ चुके हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नाराजगी जाहिर करके जेएमएम का दामन छोड़ा है, इंडी गठबंधन के लिए कोई क्षति की बात है? अभी प्रदीप सिन्हा जी बोल रहे थे कि परिवार को छोड़ दिए। परिवार क्यों छोड़ते हैं? जब आप में कोई गलती नजर आ जाए। आप चंपई जी की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने पिछले 6 महीने से, जब वो मुख्यमंत्री बने तब से पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये असम के मुख्यमंत्री या इनके सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने आज से 3-4 दिन पहले स्वीकार किया है कि चंपई सोरेन मेरे कॉन्टैक्ट में 6 महीना से थे। तो अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि पार्टी तोड़ने वाले आदमी हैं, तो निश्चित रूप से उससे कोई बात नहीं करेगा। और उनके मान सम्मान की जहाँ तक बात है, तो पार्टी जेएमएम ने उन्हें मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अगर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, तो निश्चित रूप से इसको धोखा कहते हैं। अगर आपको लग रहा था कि आप बहुत सम्मानित व्यक्ति रहना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री होने के बाद आपने मंत्री पद की शपथ क्यों ली? आपको कहीं ना कहीं लालच था कि आप दो धरे में चल रहे थे कि जेएमएम मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा। आप अपना ठौर ठिकाना खोज रहे थे। इस ठौर ठिकाने के क्रम में आपको उस दल के साथ आपने हाथ मिलाया जो आज तक आदिवासियों के हित में ऐसा कोई काम नहीं है जो किया हो। ठीक है, चलिए बीजेपी का पक्ष जान लेंगे, क्योंकि बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 महीने से चंपई सोरेन हेमंता बिस्व शर्मा के संपर्क में थे, बीजेपी के संपर्क में थे, तो कहीं ना कहीं पहले से योजना थी पार्टी को छोड़ने की और बीजेपी में जुड़ने की। ठीक है, शायद किसी तकनीकी दिक्कत के वजह से प्रदीप जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कमल जी आपके पास ही आएंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि चंपई सोरेन के आने से काफ़ी हद तक मजबूती और फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा, और नेता प्रतिपक्ष ने तो ये तक दावा कर दिया है कि चंपई सोरेन के आने से निश्चित ही झारखंड की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, बीजेपी के पास न नियत है न नेता है, तो जब जिस दल के पास काम करने का क्षमता न हो, नियत न हो और नेता नहीं हो, तो उधार के सिंदूर से सुहागन बनबे करेगा। आपके पास तो नेता था ही नहीं, तो आप चंपई पर कभी डोरा डालिए, तो कभी सीता सोरेन पर डोरा डालिए, तो कभी गीता कोड़ा पर, अरे जिसको भी ले जाइएगा वो चुनाव हारेगा। ये हश्र आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देख लिया कि सीता जी भी हारे और गीता जी भी हारी, और चंपई सोरेन भी अगले चुनाव में विधानसभा में करारी हार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारा है, उन्होंने कुल्हाड़ी पर जाकर पैर रख दिया है। तो इस तरह का जब होगा, पार्टियां तो बनती है बिगड़ती है, आना जाना लगा रहता है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति में चंपई दा गए हैं वो आदिवासियों के हित को नकार कर गए हैं। क्योंकि आप अभी, मैं थोड़ी देर पहले चंपई दा का भाषण सुन रहा था, वो कांग्रेस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने गोली चलवाया। अरे आपको जब इतना ही कांग्रेस से परेशानी था, तो कांग्रेस से समर्थन द्वारा आप मंत्री, आप उस दिन भी नकार देते कि मैं कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, मैं मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो आप लालची आदमी हैं, और लालच बस आप आज जो है बीजेपी में गए हैं। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी में जाने के बाद आपके मान सम्मान पर इतना धक्का लगेगा कि आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे, कोई राजनीति आपका काम नहीं आएगा। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, गीता कोड़ा जी जब कांग्रेस में थी तो वर्किंग प्रेसिडेंट झारखंड प्रदेश कांग्रेस थी, बीजेपी ने उनको सम्मान दिया है, प्रवक्ता बना दिया। तो बीजेपी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है जिसका बैकग्राउंड संघ से ना हो, और चंपई दा का बैकग्राउंड जो है बीजेपी के खिलाफ लड़के और चुनकर आए हैं। तो हमें लगता है कि वो अपना नुकसान कर चुके हैं। अब देखिए, उनके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का कामना तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि भाई जब वो हमारे यहाँ थे तो कदावर नेता थे, सम्मान था पार्टी में उनका। लेकिन उन्होंने तो अपमान की बात कही कि जेएमएम में बार बार अपमान हुआ है उनका। अगर उनको लगता है कि पार्टी ने अपमान किया है, तो जिस दिन अपमान किया था उस दिन ही पार्टी को छोड़ देते आप। तो आप मुख्यमंत्री से हटे
और मंत्री बन गए, ये अपमान है कि सम्मान है? ये तो चंपई दा को सोचना होगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कमल जी। देखिए यहाँ पर दो सवाल हैं, एक आपने ये कहा कि जैसे सीता सोरेन और गीता कोड़ा ने दामन थामा था बीजेपी का और हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, उसी तरह अगर विधानसभा में अगर पत्ता खेला जाए चंपई सोरेन के ऊपर तो उन्हें भी करारी हार जो है मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कोल्हान में उनकी पकड़ मजबूत है जिस कारण से बीजेपी को उनसे भारी फायदा हो सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जो है हो सकता है इंडी गठबंधन को भुगतना पड़े? देखिए एक और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे आदिवासियों के हित की बात की, अभी मंच पर से चंपई सोरेन आदिवासी के हित पर ही कह रहे थे कि अगर आदिवासी को बचाना है, संथाल परगना को बचाना है तो वो बीजेपी के जरिए ही बचाया जा सकता है। मुझे अभी तक ये समझ में बीजेपी का स्ट्रेटजी नहीं पता चल पाया है कि वो संथाल में कहना क्या चाहते हैं। जो मुद्दा वो उठाते हैं संथाल को लेकर घुसपैठ का, तो मैं बार बार ये पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ आखिर होता कहां से है, कौन सा ऐसा मशीनरी है जिसे घुसपैठिया घुसते हैं? वो हवाई जहाज है कि साइकिल है कि बस है कि पैदल आते हैं? ये तो मामला पूरा केंद्र का है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो इस पर तो हमको लगता है कि जो सवाल उठा रहे हैं चंपई सोरेन हो चाहे बाबूलाल जी हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता हो, तो वो तो सीधा सीधा सवाल गृह मंत्री पर उठा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर का काम बीएसएफ देखता है। अब बीएसएफ डायरेक्ट अधीन होता है गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का, तो आप तो सवाल जो है सारा सवाल बीजेपी पर उठा रहे हैं। दूसरा आपका पहला जो सवाल था, मैं उसका पहले पर नहीं उत्तर दिया, सेकंड वाला का दिया। पहला सवाल आपका था कि कोल्हान में चंपई सोरेन बहुत मजबूत है। देखिए पार्टी में सिंबल मजबूत होता है, पार्टी में व्यक्ति मजबूत कभी नहीं होता है। आप गुरु जी के साथ बहुत कदावर नेता सूरज मंडल थे, उन्होंने जेएमएम को छोड़ा, सिंबल को छोड़ा, आज कहाँ है देख लीजिए। तो कोल्हान में या संथाल में तीर धनुष और हाथ का चलती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। ये तो बीजेपी व्यक्ति विशेष पर चलती है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये लोग चलते हैं। हम लोग अपने जो सिंबल हम लोग का है तीर धनुष जेएमएम का है और कांग्रेस का हाथ है, हम लोग उसके साथ हैं। और चंपई दा को समझ में आ जाएगा कि तीर धनुष में शक्ति है कि चंपई में शक्ति है, वो तो आने वाला 2 महीना 1.5 महीना बचा हुआ चुनाव का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बहुत दूर नहीं है। देखिए हमारे चुनाव आने वाले हैं कमल जी, जैसे कि अगर चंपई सोरेन को चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से उतारा गया तो इंडी गठबंधन की ओर से कौन होगा जो उनके मुखातिब पे खड़े होंगे, जो उनके मुकाबले में चुनावी मैदान में सामने आएंगे? देखिए देखिए पार्टी अभी से तो कोई चीज उम्मीदवार तय नहीं की है, लेकिन आप देखिए उनके जाते ही कोल्हान से ही रामदास सोरेन जी मंत्रिपरिषद का शपथ लेते हैं, तो वो तो सामने नजर आ गया कि पार्टी में एक किसी के जाने से पार्टियां खत्म नहीं होती है। पार्टी रोज सीजता आदमी, रोज एक नया नेता पैदा होता है और वो जो है अपने को स्थापित कर लेता है। क्या चंपई दा को स्थापित होने में समय लगा कि नहीं लगा, कि जिस दिन वो पार्टी में आए उसी दिन से स्थापित नेता है? उनको भी टाइम लगा था, कोई दूसरा भी आएगा उनको भी, चंपई दा को भी वहां से हार का सामना करना पड़ा है कि नहीं किया करना पड़ा है? तो स्वाभाविक रूप से है कि चंपई दा ने जो गलती की है इसका खामियाजा वहां के संथाल और कोल्हान के जो लोग हैं उनको करारा जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, और चंपई दा का राजनीतिक अंत जो है आज के बीजेपी में शामिल होने के बाद हो गया है। चलिए, इंडिया गठबंधन का दावा है कि चंपई सोरेन का राजनीतिक करियर का डी एंड इसीलिए हो गया क्योंकि बीजेपी का दामन थामा है, वहीं बीजेपी ये बोल रही है कि संगठन को मजबूती मिली है चंपई सोरेन के आने से। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इसे लेकर राजनीतिक हलचल जो है प्रदेश में काफी चल रही है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, देखते रहे रफ्तार मीडिया, नमस्कार।